हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी, गोइंग टू स्टार्ट विथ 11th लेक्चर ऑन फिजिक्स फॉर क्लास 12th फ्रॉम एनसीईआरटी पार्ट 1. एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस. दिस इज द 7th सेक्शन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. एंड टिल नाउ वी हैड discussed what is charge, what is meaning of charged bodies and neutral bodies, how to test whether a body is charged or uncharged by using the gold electroscope, and charging by phenomena of charging by induction, unification of electricity and magnetism, properties of charges like additivity of charge, conservation of charge for an isolated system, and quantization of charge. Apart from this, we classified the matter in class of conductors, insulators and semiconductors, and few examples based on these concepts. Thereafter, we went through the Coulomb's law, which gives the statement, mathematical statement, according to which two charged particles interact with each other, and the vector form of Coulomb's law. And these example 1.4, example 1.5, based on Coulomb's law, application of Coulomb's law. Now we are going to start with forces between multiple charges. Now see, here we need to incorporate the concept of vectors, क्योंकि जब तक वेक्टर का कॉन्सेप्ट आप ठीक से नहीं समझेंगे तब तक इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको मुश्किल होगी. और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. आप देख सकते हैं, पहले इस फिगर को हम लोग देखते हैं. ये फिगर 1.8 है. फुटनोट पहले पढ़ेंगे फिगर का. हमेशा कोई फिगर सामने आए तो उसका फुटनोट पहले पढ़ेंगे. अ सिस्टम ऑफ ए थ्री चार्जेस एंड बी मल्टीपल चार्जेस. दो फिगर्स यहाँ दिए गए हैं. पहले तीन चार्जेस के सिस्टम को लेकर डिस्कस किया जाएगा. आप देखिए Q1, Q2 एंड Q3, ये तीन चार्जेस है और ये वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं जहाँ से हम रेफर करेंगे इन तीनों चार्जेस को. तो R1 पोजीशन वेक्टर Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है, R2 Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है, R3 वेक्टर Q3 का पोजीशन वेक्टर है, एंड पोजीशंस आर टेकन फ्रॉम पॉइंट O. बी फिगर में मल्टीपल चार्जेस हैं, यानी तीन से ज़्यादा चार्जेस लिए गए हैं. आप देख सकते हैं Q1, Q2 एंड Q3, Q4, Q5. तो इसी डिस्कशन को एक्सटेंड करेंगे मल्टीपल चार्जेस के लिए. पहले तीन चार्जेस पे डिस्कशन किया जा रहा है. इस फिगर से आप बहुत सारी चीज़ें इस फिगर से समझ सकते हैं. जैसे आप देख सकते हैं कि Q1 चार्ज पे Q2 चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा, अब सिंपल कूलम्स लॉ आप अप्लाई करिए फॉर टू पॉइंट चार्जेस. Q2 के द्वारा Q1 पे जो फोर्स लगाया जाएगा वो F12 है, और ये अलोंग दिस लाइन है एंड अवे फ्रॉम Q1 है. इसका मतलब ये रिपल्सिव फोर्स है. Q2 Q1 को रिपेल कर रहा है, हम तभी ये फोर्स इधर लग रहा है. इसी प्रकार से Q3 Q1 को रिपेल कर रहा है और ये फोर्स F13 मीन्स Q1 पे Q3 के द्वारा लगाया गया फोर्स. इसको डॉटेड वेक्टर से यहाँ और इसको यहाँ शो किया गया. तो Q1 अगर मल्टीपल चार्जेस हैं, यानी कि अभी तक कूलम्स लॉ में हम सिर्फ दो चार्जेस के लिए पढ़ रहे थे. Q1 और Q2 यदि दो चार्जेस हैं तो वो कैसे एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, किस डायरेक्शन में लगाते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है. अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर तीन चार्जेस का सिस्टम है तो उनमें से कोई एक चार्ज, लेट से Q1 को हमने लिया, तो यह Q1 इन दो बाकी के दो चार्जेस Q2 और Q3 की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो
कैसा फोर्स होगा, किधर होगा, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसी पे हम फोकस करेंगे इस डिस्कशन में, इसी चीज को समझना है। तो आप वेक्टर एप्लीकेशन देख सकते हैं कि F12 वेक्टर और F13 वेक्टर Q2 और Q3 के द्वारा लगाया गया फोर्स जो Q1 पे है, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाला गया है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। आप देख सकते हैं F13 और F12 को कॉमन टेल से रखा गया, टेल टू टेल, और उसके बाद डॉटेड लाइन से पैरेललोग्राम कंप्लीट किया गया, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा जिसको F1 मींस नेट फोर्स ऑन Q1, तो F1 वेक्टर से डिनोट किया गया है। तो इस वेक्टर डायग्राम से सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। बाकी गिवन वैल्यूज अगर हमें Q1, Q2, R12, R13 ये सारे वेक्टर्स पता होंगे तो हम F12, F13 और अगर ये एंगल पता होगा हमें तो F1 वेक्टर को भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं टेक्स्ट पार्ट में यहाँ क्या लिखा गया है। द म्यूचुअल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। कह रहे हैं कि यदि दो चार्जेस हों, टू चार्जेस, तो कूलम्स लॉ से हम म्यूचुअल फोर्स निकाल सकते हैं। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ चार्ज वेयर देयर आर नॉट वन बट सेवरल चार्जेस अराउंड। कह रहे हैं लेकिन यदि किसी एक चार्ज के आसपास एक से ज्यादा चार्जेस हों, बहुत सारे चार्जेस, तो उस एक चार्ज पे फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। Consider a system of n stationary charges. ध्यान दीजिएगा यहाँ stationary charges कहा जा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। हम लोग electrostatics पढ़ रहे हैं, charges rest पे रहेंगे ऐसा हम मानेंगे, इस बात को यहाँ लिखा गया है इसीलिए। Consider a system of n stationary charges Q1, Q2, Q3, .qn in vacuum. ध्यान दीजिए vacuum में रखा गया है, कोई intervening medium नहीं है यहाँ। What is the force on Q1 due to remaining charges, that is Q2, Q3 and Qn? कह रहे हैं कि कोई एक चार्ज इन n चार्जेस में से चूज कर लें, जैसे यहाँ Q1 को चूज किया गया है, तो उस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा। कूलम्स लॉ इज नॉट एनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन। कह रहे हैं कूलम्स लॉ यहाँ पर्याप्त नहीं है इस प्रश्न का जवाब देने के लिए, क्योंकि कूलम्स लॉ में तो सिर्फ दो ही चार्जेस हैं Q1 और Q2, ये यहाँ कहा जा रहा है। रिकॉल दैट फोर्सेस ऑफ मैकेनिकल ओरिजिन एड अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। कह रहे हैं जो मैकेनिकल ओरिजिन के फोर्सेज होते हैं, मैकेनिकल मीन्स जो मशीन या फोर्स या मस्कुलर फोर्स लगाते हैं, तो जो फोर्सेज हम लगा रहे होते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, उनको जोड़ते कैसे हैं, पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ते हैं। इज द सेम ट्रू फॉर फोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन। कह रहे हैं क्या वही तरीका हम इन फोर्सेस को जोड़ने के लिए भी लगा सकते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं। एक्सपेरिमेंटली इट इज वेरीफाइड दैट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस on that charge due to the other charges taken one at a time. देखिए ये यही बात कही जा रही है कि बिल्कुल experimentally ये verified है, experiment से ये सत्य साबित होता है कि किसी भी एक चार्ज पे, system of n charges हैं, उसमें से किसी भी एक चार्ज पे जो net force होगा वो remaining n minus one charges के द्वारा लगाए गए individual forces का vector sum होगा। यानी एक एक फोर्स आप लीजिए, Q1 पे निकालना है तो पहले Q2 की वजह से लीजिए कितना फोर्स लग रहा है, एक ये मिल गया जो फोर्स लग रहा है Q1 पे Q2 के द्वारा। इसी तरह Q3 के द्वारा Q1 पे जो फोर्स लगाया जा रहा है F31 लीजिए, Q4 के द्वारा जो लगाया जा रहा है F41 लीजिए। इन सभी इंडिविजुअल फोर्सेज जो Q1 पे लग रहे हैं ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस, इन सभी को वेक्टरली आप जोड़ दीजिए वेक्टर एडिशन से, तो आपको नेट फोर्स F1 ये जो दिख रहा है Q1 के ऊपर ये आपको मिल जाएगा। This is termed as principle of superposition. इसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। टू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कंसीडर अ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3। मैंने जो भी अभी डिस्कस किया यही बातें यहां लिखी हैं, पहले तीन चार्जेस के सिस्टम को लिया जा रहा है।
as shown in figure 1.8a. The force on one charge, say q1, due to two other charges q2, q3, can therefore be obtained by performing a vector addition of the forces due to each one of these charges. Thus, if the force on q1 due to q2 is denoted by F12, F12 is given by equation 1.3, ये कूलम्स लॉ का equation है, even though other charges are present. तो कह रहे हैं कि q1 के ऊपर q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कूलम्स लॉ को अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं. फोर्स होगा कितना, 1/4πε0 q1 into q2 divided by square of this distance. ये distance क्या है, r12, आप देख सकते हैं r12 का square. कह रहे हैं कि इसके द्वारा इस पे जो फोर्स लगाया जा रहा है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा इस तीसरे चार्ज के प्रेजेंस की वजह से. अगर यहाँ पे कोई और चार्ज भी मौजूद है तो ये अपना फोर्स जरूर इस पे लगाएगा इधर, मगर इसके द्वारा लगने वाले फोर्स को ये प्रभावित नहीं करेगा. यही बात यहाँ लिखी गई है, इवन दो अदर चार्जेस आर प्रेजेंट, जबकि दूसरे चार्जेस प्रेजेंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो F12 के लिए एक्सप्रेशन लिखा गया है यहाँ, जो मैं अभी बता रहा था ये वही एक्सप्रेशन है कूलम्स लॉ से. इन द सेम वे, इसी प्रकार से द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 डिनोटेड बाय Q3 डिनोटेड बाय F13 इज गिवन बाय F13 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q3 बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दैट इज R13 का स्क्वायर. और ये वेक्टर नोटेशन में लिखा गया है, यूनिट वेक्टर R13 है क्योंकि इधर फोर्स को वेक्टर नोटेशन दिया गया है, बोल्ड में लिखा गया है. तो यदि LHS में वेक्टर है तो RHS भी वेक्टर होना चाहिए, तभी ये इक्वालिटी होल्ड करेगी. तो इस पूरे फोर्स को वेक्टर बनाने के लिए कि यूनिट वेक्टर R13 से यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है, विच अगेन इन द कूलम इज द कूलम फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 इवन दो अदर चार्ज Q2 इज प्रेजेंट. Thus, the total force F1 on Q1 due to the two charges Q2 and Q3 is given by, कह रहे हैं कि अब total force क्या होगा Q1 पे, F1 vector, ध्यान दीजिएगा ये vector लिखा गया है, is equal to F12 vector plus F13 vector, यानी इन दोनों vectors को जोड़ा जाए तो ये resultant vector मिल जाएगा. अब इन दोनों vectors को vector form में जैसा ऊपर लिखा गया था वैसे ही as it is लिख दिया गया, values substitute कर दी गई हैं. आगे ये पूरा वेक्टर का अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर है तो आप जानते हैं कि वेक्टर्स को कैसे जोड़ा जाता है, वैसे ये वेक्टर्स जुड़ जाएंगे. आप आई जे के नोटेशन में भी लिख सकते हैं वेक्टर को. द अबव कैलकुलेशन ऑफ फोर्स कैन बी जनरलाइज्ड टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस मोर देन 3 एज शोन इन फिगर 1.8b. जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप जैसे तीन चार्जेस के लिए वैसे ही एन चार्जेस के लिए इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं. The principle of superposition says that in a system of charges Q1, Q2, .qn, the force on Q1 due to Q2 is the same as given by Coulomb's law. That is, it is unaffected by the presence of the other charges Q3, Q4, Qn. यही बात फिर से लिखी गई है कि Q2 द्वारा Q1 पे जो फोर्स लगाया जा रहा है वो Coulomb's law से easily निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस फोर्स पे, चाहे वहां क्यों ना और भी ढेर सारे चार्जेस Q3, Q4 या Qn तक कितने भी चार्जेस प्रेजेंट हों. द टोटल फोर्स F1 ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस इज देन गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस F12, F13, F1n. सो दैट इज F1 वेक्टर, द नेट फोर्स ऑन Q1 इज इक्वल टू F12 फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन Q1 plus F13 force due to Q3 on Q1 plus F1n force due to nth charge on Q1. फिर इन सभी forces की individual values को यहाँ substitute किया गया है, 1/4πε0 सभी में से common लेके बाहर bracket के लिखा गया है और इसी को sigma notation में लिखा गया है. आप देख सकते हैं Q1 इन सभी में common है, आप देख सकते हैं, तो Q1 को भी बाहर कॉमन ले लिया गया ब्रैकेट के, Q1 डिवाइडेड बाय 4πε0 सिग्मा समेशन, सिग्मा मीन समेशन, Qi बाय R1i स्क्वायर, R1i कैप, यहाँ i जो सबस्क्रिप्ट में आप देख रहे हैं इसको वेरी करा दिया गया है, i फ्रॉम 2 टू n,
आप देख सकते हैं यहाँ i की वैल्यू 2, 3, अगर आप यहाँ i की वैल्यू 1 रखते हैं, सॉरी 2 रखते हैं, i इक्वल टू 2 से शुरू हो रहा है, तो ये पहला वाला टर्म आपको मिल जाएगा, प्लस i की वैल्यू अब आप यहाँ 3 रखते हैं यहाँ पे, यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा Q3 बाई R13 कैप। फिर आप 4 रखेंगे, सो ऑन सो एन तक आप रखेंगे, तो यही समेशन मिलेगा जिसको यहाँ शॉर्ट में सिग्मा साइन लगा के लिख दिया गया है, सिग्मा नोटेशन। द वेक्टर सम इज ऑब्टेंड एज यूजुअल बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ऑल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कूलम्स लॉ एंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कह रहे हैं कि जितना भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, यानी कि चार्जेस जब रेस्ट पे हों तो जो फोर्सेस लगते हैं उनके बीच, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, वो बेसिकली वो किसका परिणाम है, कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के का परिणाम है। आप कह सकते हैं कि इन दो चीज़ों की मदद से, कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन की मदद से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सभी फेनोमेनास को स्टडी किया जा सकता है। अब देख सकते हैं आप इस पे बेस्ड एक एग्जांपल है मल्टीपल चार्जेस पे, एग्जांपल 1.6। कंसीडर थ्री चार्जेस Q1, Q2, Q3, ईच इक्वल टू Q एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल Q विद द सेम साइन एज Q स्मॉल Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल एज शोन इन फिगर 1.9। अब देखिए यहाँ पे एक फिगर में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी, और इनके तीनों वर्टिसेस पे बराबर चार्ज रखा गया है क्यू, नाम यहाँ Q1 दिया गया है मगर मैग्नीट्यूड उसका क्यू के बराबर है, Q2 का मैग्नीट्यूड भी क्यू के बराबर है जैसा कि क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा गया है, और सी वर्टेक्स पे Q3 है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है। सारे चार्जेस इक्वल हैं, इक्वल मींस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इक्वल इन साइन आल्सो, या तो ये तीनों को ही आप पॉजिटिव लें या इन तीनों को आप नेगेटिव लें, तीन चार्ज हैं, सॉरी चार्ज चार नहीं है, चौथा चार्ज यहाँ पर है जो सेंट्रॉइड पे रखा गया है, और ये भी सेम साइन का है विद द सेम साइन एज स्मॉल क्यू, यानी जो साइन आप इन तीनों चार्जेस का लेंगे जो वर्टिसेस पे रखे गए हैं, पॉजिटिव यदि ले रहे हैं तो इसका भी कैपिटल क्यू का पॉजिटिव लेंगे, यदि इन स्मॉल क्यू चार्जेस को नेगेटिव लेते हैं तो इसे भी नेगेटिव लेंगे। आप जो चाहें चूज कर सकते हैं क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया गया है क्वेश्चन में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब प्रश्न क्या है यहाँ, व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस चार्ज कैपिटल क्यू, इस पे नेट फोर्स क्या है। तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। Q1 के द्वारा इस क्यू पे जो फोर्स लग रहा है वो देखिए इस वेक्टर से डिनोट किया गया है, और Q2 के द्वारा इस पे जो फोर्स लग रहा है उसको इस वेक्टर से डिनोट किया गया है। सॉरी आप देखिए ध्यान दीजिए, रिपल्सिव फोर्स होगा क्योंकि लाइक चार्जेस हैं, Q1 यदि पॉजिटिव और Q, तो ये वाला फोर्स नहीं, ये F1 फोर्स जो है ये डिनोट करेगा। F1 कौन सा फोर्स है, Q1 के द्वारा कैपिटल Q पे जो फोर्स लग रहा है ये वाला फोर्स F1 है। Q2 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है रिपल्सिव होगा क्योंकि अगेन ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो वो रिपल्सिव किधर लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस एंड अवे, क्योंकि ये रिपेल करेगा इसको, F2 का डायरेक्शन हो गया। इसी प्रकार से Q3 भी रिपेल करेगा Q को, लाइक चार्जेस हैं तो फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ F3। तो F1 F2 F3 इन तीनों ही फोर्सेस का वेक्टर सम नेट फोर्स होगा। तो यदि आप वेक्टर सम निकालेंगे तो आप देख सकते हैं सिमेट्री से कि F2 और F3 को पैरेललोग्राम लॉ से यदि जोड़ा जाए तो हमें ये वाला वेक्टर मिल रहा है जो फिगर में दिख रहा है यहाँ टुवर्ड्स वर्टेक्स ए जो पॉइंट कर रहा है, और ये जो रिजल्टेंट है F2 और F3 का इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू F1 वेक्टर, ये बिल्कुल F1 के अपोजिट डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में इक्वल आएगा ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों ही फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट फोर्स कैपिटल क्यू पे जीरो हो जाएगा, आंसर जीरो आना चाहिए, यही बात यहाँ सॉल्व करके शो की गई है। इन द गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड्स ऑफ लेंथ L, इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर AD ऑन द साइड BC, देखिए AD को परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है BC साइड पे,
AD इज इक्वल टू AC cos 30 डिग्री। AD आप देखिए फिगर में, AD क्या होगा, AC cos 30 डिग्री। आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, सेमी वर्टिकल एंगल, क्योंकि ये पूरा 60 होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ये 30 डिग्री है। तो cos थीटा, cos 30 डिग्री क्या होगा, बेस यानी AD डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस AC, इसी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इज इक्वल टू AC cos 30 डिग्री आ जाता है। cos 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट की गई है रूट 3/2, और L की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं AC की जगह L की वैल्यू लीजिए, साइड लेंथ L के बराबर है। एंड द डिस्टेंस AO ऑफ द सेंट्रोइड, अब देखिए डिस्टेंस AO, सेंट्रोइड का डिस्टेंस जो होगा फ्रॉम A इज 2/3 AD होगा। आप जानते हैं कि सेंट्रोइड जो होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का रेशियो 2:3 होगा। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई किया गया है। सो बाई सिमेट्री AO, BO और CO बराबर होगा, AO, BO और CO ये तीनों ही वैल्यू सेम आएंगी सिमेट्री से। ये वैल्यूज हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब हम कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें Q1 से Q के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, तो ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। उसी तरह हम Q2 और Q के बीच का फोर्स निकालेंगे कैपिटल Q का, तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए और सिमिलरली ये डिस्टेंस चाहिए, इसीलिए हम इस डिस्टेंस को निकाल रहे हैं। दस फोर्स F1 ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q एट A, दैट इज Q1। A पे कौन सा चार्ज है, Q1 है, लेकिन मैग्नीट्यूड Q के बराबर है, तो उसको लिखा जाए तो 1/4πε0 Q मल्टीप्लाइड बाई Q डिवाइडेड बाई L बाई रूट थ्री का स्क्वायर होगा, तो रूट थ्री का स्क्वायर ऊपर जाके 3 हो जाता है। इसी प्रकार से F2 और F3 फोर्सेज रखे गए हैं और रिजल्टेंट निकाला गया है। द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज F2 एंड F3 इज This along OA, तो F2 और F3 जैसा कि मैंने फिगर में बताया था, F2 और F3 का रिजल्टेंट कितना आ रहा है वो वहां वर्कआउट किया गया है along OA by the parallelogram law, parallelogram law of vector addition से निकाला गया है। Therefore the total force on Q is, अब टोटल फोर्स Q पे क्या होगा, देखिए R में R वेक्टर, R माइनस R यूनिट आप कैप वेक्टर देख सकते हैं, ये सिर्फ यही दर्शा रहा है कि दोनों वेक्टर्स अपोजिट हैं, कौन से दो वेक्टर्स, और नेट जीरो भी आ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वैल्यू जीरो के बराबर आ रही है, क्योंकि एक प्लस R वेक्टर है ये ऊपर की तरफ, आप देखिए यहाँ पे R कैप वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ प्लस है और नीचे की तरफ माइनस है, ये दोनों ही वेक्टर्स अपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन के हैं, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर और नेट फोर्स यहाँ जीरो हो जाएगा, वेयर आर इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ओए। सो इट इज क्लियर ऑल्सो बाय सिमेट्री दैट द थ्री फोर्सेज विल सम टू जीरो, सपोज दैट द रिजल्टेंट फोर्स वॉज नॉन जीरो बट इन सम डायरेक्शन, कंसिडर वट वुड हैपन इफ द सिस्टम वॉज रोटेटेड थ्रू 60 डिग्री अबाउट ओ, कह रहे सिस्टम को यदि 60 डिग्री से रोटेट करा दिया जाए पॉइंट ओ के अबाउट, पूरे सिस्टम को अगर रोटेट करा दिया जाए तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या इफेक्ट होगा, क्या फोर्सेस होंगे, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसको आप कॉपी पेन पे अटेम्प्ट करेंगे, जिन बच्चों को डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में इस पर डाउट पूछ सकते हैं, I will discuss on the board and share it through video. Next example भी बिल्कुल ऐसा ही है, consider the charges Q, Q and minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in figure 1.10. What is the force on each charge? अब आप यहाँ देखें कि Q charge यहाँ पर है, A पे Q है और B पे भी Q है और C vertex पे minus Q charge है, तो सभी चार्जेस पे नेट फोर्स निकालना है, ए और बी और सी तीनों वर्टिसेस पे जो चार्जेस रखे हुए हैं इन पे नेट फोर्स निकालना है। यदि आप ए वर्टिक्स पे रखे हुए चार्ज को लें तो इस चार्ज क्यू पे
ये माइनस क्यू के द्वारा फोर्स लगेगा जो कि F13 से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, और ए और बी के पे रखे चार्जेस के बीच जो इंटरेक्शन होगा आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो यह फोर्स F12 है जो Q1 और Q2 के बीच रिपल्सिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो Q1 पे टोटल फोर्स जो होगा वो F13 जो कि माइनस क्यू का अट्रैक्टिव फोर्स है और F12 जो कि Q2 का रिपल्सिव फोर्स है, इन दोनों के रिजल्टेंट फोर्स से हम निकाल सकते हैं यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। यहाँ पे एंगल जो होगा दोनों फोर्सेस के बीच आप देख सकते हैं 120 डिग्री होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल 120 डिग्री होगा, लीनियर पेयर में टोटल 180 डिग्री होता है। तो यू कैन अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और मैग्नीट्यूड यदि F13 और F12 का निकालना हो तो वो डिस्टेंस हमें L पता है यहाँ पर और चार्जेस का मैग्नीट्यूड पता है, बाय यूजिंग कूलम्स लॉ वी कैन वर्क आउट। ये यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आएगा मैग्नीट्यूड के लिए फोर्स के, Q into Q स्क्वायर हो जाएगा 1/4πε0 L स्क्वायर, L इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो इस एग्जांपल को आप खुद से कॉपी पे सॉल्व करेंगे, किसी को डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।